हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल स्प्लेंडेड फूड टेम्पटेशन। आज हम बनाएंगे छठ स्पेशल लौकी की सब्जी, जो बिल्कुल छठ पूजा में बनती है वैसे ही हम बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें स्प्लेंडेड फूड टेम्पटेशन को और बजाइए घंटी, ताकि चैनल पे आने वाले सारे नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। लौकी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन हीट करने रखा है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून देसी घी। घी जैसे ही मेल्ट होगा हम यहाँ पे मसाले डालेंगे। मैंने जीरा और लाल मिर्च का यूज़ किया है, आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। सेक ले मसालों को इसमें 1 मिनट तक। तड़का यहाँ पे चटक चुका है, अब हम यहाँ पे डालेंगे लौकी। इसे मैंने धो करके काट के रखा है, मिला लो इसे एक बार। मैंने लौकी को बस 1 मिनट तक ये मसालों के साथ फ्राई किया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा चना दाल, जिसे मैंने भिगो करके रखा था। मिक्स कर लें और हम इसे ढक करके 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। लौकी यहाँ पे अच्छे तरीके से गल चुकी है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और हरे धनिया कटे हुए डाल के इसे मिला लें और हमारा बेहद ही आसान लौकी की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। सो फ्रेंड्स, मैंने लौकी की सब्जी को सर्व कर लिया है और मैंने इसे चावल के साथ सर्व किया है, जो छठ पूजा में खाया जाता है और यही इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही कॉमेंट्स ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और छठ स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।